नमस्कार दोस्तों। तो ये आज का एडिटोरियल डिस्कशन, आज की तारीख है 11 जुलाई 2023। और आज के जो हमारे एडिटोरियल डिस्कशंस में दो आर्टिकल रह गए थे, उन दो आर्टिकल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक आर्टिकल तो आज आपको पता, 11 जुलाई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के उपलक्ष्य में इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। और इस आर्टिकल में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम है वो महिलाओं को लेकर के बेस्ड है। तो जो ऑथर हैं वो कहती हैं कि भारत जो है, अब जो थीम रखी गई है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की, इस थीम से, थीम की जो डिमांड है, इस डिमांड से भारत आगे जा चुका है। तो भारत के लिए अब ये जो है, एक तरीके से वो कहना चाहती हैं कि अब कोई अधूरी चीज़ नहीं रह गई है, भारत इस रास्ते पर काफ़ी आगे जा चुका है। और फिर उसके बाद जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से जो है कुछ एग्जांपल्स लेती हैं, उन एग्जांपल्स और फैक्ट्स के बेसिस पे वो बताती हैं भारत किस तरीके से आगे ग्रो कर रहा है या भारत के सिनेरियो में क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर वो बताती हैं कि महिलाओं के योगदान को आगे किस तरीके से दुनिया जो है, और जेंडर इक्वलिटी को, जेंडर एम्पावरमेंट को, इन चीज़ों पर अगर जो फोकस करती है तो वो दुनिया के लिए फ्यूचर में किस तरीके से एक सोल्यूशन के रूप में काम करेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर ऑथर ने जो है आर्टिकल लिखा है। हम लोग फिलहाल कुछ इन्फॉर्मेशन जो है देख लेते हैं, ज़रा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है तो इसके रिगार्डिंग। तो पहले तो ये देख लीजिए कि दुनिया की आबादी 1 अरब होने में लाखों साल का वक्त लगा। इट टुक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द वर्ल्ड पॉपुलेशन टू ग्रो 1 बिलियन, देन इन जस्ट अनदर 200 ईयर्स और सो। लेकिन उसके बाद 200 सालों में ही, लगभग 200 सालों में ही 7 गुना ज़्यादा बढ़ गई है ये आबादी। और 2011 में जो है हम लोगों ने 7 अरब का जो मार्क है, 7 अरब को क्रॉस कर लिया। मीन्स 2011 में दुनिया की आबादी 7 अरब हो जाती है। 2021 में ये जो है 7.9 अरब थी। और उसके बाद कहते हैं कि 2030 तक जो है इसके 8.5 अरब होने की संभावना है, और 2050 तक 9.7 बिलियन होने की संभावना है, और 2100 में जो है लगभग 11 अरब के आसपास हम लोग होंगे। उसके बाद कहते हैं कि द रिसेंट पास्ट हैज सीन इनॉर्मस चेंजेस इन फर्टिलिटी रेट्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब देखिए, चूँकि आप देख रहे हैं कि पहले तो लाख साल लगा 1 अरब होने में, उसके बाद पिछले 200 सालों में जो इतनी तेज़ ग्रोथ हो रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये दोनों मेजरमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स फर्टिलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये दोनों चीज़ें बढ़ी हैं, इसलिए दुनिया की आबादी जो है वो लगातार अब बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती जा रही है। तो इसके डाटा के रूप में ये कहते हैं कि जहाँ 1970 में एवरेज हर महिला के पास 4.5 बच्चे होते थे, मीन्स 4.5 चिल्ड्रन ईच वुमेन हैड, एक औसत था जो 1970s का। फिर उसके बाद कहते हैं कि लेकिन यही औसत 2015 में पूरी दुनिया के लिए 2.5 चिल्ड्रन पर वुमेन पर आकर के गिर गया। तो फर्टिलिटी रेट जो है पहले से घटा है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ी है। तो वो देखिए कैसे बढ़ी है कि 1990s में, 1990 के दशक में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जो जीवन प्रत्याशा है, वो 64.6 थी, 64.6 ईयर्स थी, जो कि 2019 में 72.6 ईयर्स हो गई है। इसके बाद आगे कहते हैं कि 2007 जो है, मींस आबादी के माइग्रेशन को लेकर के ये पॉइंट है कि 2007 पहला साल था, वो पहला साल था जब डाटा ये कहते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो दुनिया की कुल आबादी है, उस कुल आबादी का शहरी क्षेत्रों में रहने वाला भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी से ज़्यादा हो गया था। ये साल जो है 2007 पहला वो साल था जब शहरी आबादी ज़्यादा हो गई और ग्रामीण क्षेत्र की आबादी कम हो गई। हालांकि ये ध्यान रखिएगा, भारत अभी भी जो है ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भारत में आज भी ज़्यादा ही है। और 2050 तक ये कहते हैं कि लगभग 66% आबादी जो है वो शहरों में रह रही होगी, ऐसे अनुमान है। उसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल के ऊपर, जो आर्टिकल आज लिखा गया है। तो इस साल का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है उसकी थीम है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। मींस जेंडर इक्वलिटी की पावर को अनलीश करेंगे, मींस जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करेंगे तो अपने आप जो है उसकी पावर से दिखाई देगा ना कि इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वर्ल्ड के सिनेरियो में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो वो जो है होंगे क्यों, बिकॉज द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। तो वही कह रहे हैं कि अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक अवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। और ऑथर कहती हैं कि दिस थीम कुड नॉट बी मोर एप्ट फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है इस थीम से
में काफ़ी सफ़र तय कर चुका है, मीन्स काफ़ी आगे जा चुका है, जैसे अपलिफ्टिंग द वॉइसेज ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो हमारे यहाँ जो है, हम लोग चाहे तो शिक्षा के स्तर में देखें महिलाओं को, तो वो भी काफ़ी आगे तक हम लोग सफ़र तय कर चुके हैं। चाहे उनकी आवाज़ को लेकर के हो, तो काफ़ी मुखर आवाज़ हो गई है उनकी, आप देखिए रहेंगे अभी, देखिए पूरा जो है आंदोलन ही चला दिया यहाँ जंतर मंतर पे दिल्ली में रेसलर्स ने। तो उसके बाद ऑथर आगे कहती हैं कि जब हम लोग जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, तो जेंडर इक्वलिटी का मतलब ये है कि हम लीडरशिप के लेवल पर, आइडियाज़ के लेवल पर, इनोवेशन के लेवल पर या क्रिएटिविटी के लेवल पर, जो आधा दुनिया है, मींस आधी दुनिया है, आधी लीडरशिप को एक तरीके से हम लोग जो है प्रेरित कर रहे होते हैं जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे होते हैं। देखिए आज की डेट में क्या है कि जो दुनिया की पूरी आबादी है, नियर अबाउट 49.7% आबादी जो है वो महिलाओं की है, और 50.3 आबादी जो है वो पुरुषों की है। तो लिंगानुपात आप देखेंगे तो पूरी दुनिया के लेवल पर अभी भी कमी है। तो फिर ये कहती हैं कि जब हम जेंडर इक्वलिटी की या जेंडर एम्पावर मीन्स वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो लीडरशिप, आइडियाज़, इनोवेशन, क्रिएटिविटी के लेवल पर हम जो है आधी नेतृत्व क्षमता की बात कर रहे होते हैं। और इस नेतृत्व क्षमता की बात करते समय हमें जो है इसकी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी पर भी बात करनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी मतलब कि जो प्रजनन क्षमता है उससे रिलेटेड वर्ड है ये रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। तो ये स्वायत्तता जो है अभी भी स्त्रियों को या महिलाओं को नहीं मिल पाई है। अब आप इसको देख लीजिएगा, विवेकानंद का यहाँ एक स्टेटमेंट डाल दिया है, फर्दर आप लोग कभी इसको यूज भी कर सकते हैं। विवेकानंद जी इस बारे में कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ द वीमेन इज इम्प्रूव्ड। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए बर्ड टू फ्लाई ऑन ओनली वन विंग। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बिना स्त्रियों की स्थिति में सुधार के ये विश्व के कल्याण के बारे में सोचना भी असंभव है, क्योंकि चिड़िया कभी भी अपने एक पंख पर नहीं उड़ सकती। मीन्स दुनिया अगर एक चिड़िया है तो स्त्री और पुरुष दोनों इसके एक एक पंख हैं। तो अगर स्त्रियां जो हैं किसी समाज में बिलग हैं, कमज़ोर हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस चिड़िया का एक पंख कमज़ोर है, और एक पंख के साथ ये दुनिया जो है अपने कल्याण के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे कि महिलाओं की रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को भी सुनिश्चित करने की बात करनी चाहिए। और रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि किसी स्त्री की संतानोत्पत्ति के विषय में निर्णय लेने के संबंध में स्वतंत्रता की सीमा क्या है। मीन्स वो कितनी इंडिपेंडेंट है ये तय करने में कि वो संतान को उत्पन्न करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। ये जो है स्त्री के लिए रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी हुई। तो इसमें देखिए कि कई सारे पहलू आते हैं यहाँ जो है आर्टिकल में निकल के, कि एक तो सामाजिक दृष्टि से देख सकते हैं कि वो कितनी स्वतंत्र है, दूसरा कि स्वास्थ्य की पहल के लेवल पर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव्स मार्केट में अवेलेबल हैं, या जो अवेलेबल हैं तो उनके बारे में कितनी अवेयरनेस है तो उनकी पहुँच किस तरीके से सुनिश्चित की जा रही है, या जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो किस तरीके के हैं, परमानेंट हैं या फिर जो है रिवर्सिबल हैं। मींस आप मान लीजिए आपने कुछ टाइम के लिए कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल कर लिया जिससे कि आप जो है गर्भधारण ना कर सकें, और फिर उसके बाद लेकिन जब आप गर्भधारण करना चाहें तो दोबारा आप गर्भधारण कर भी सकें। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब आप समझ लीजिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो इक्विपमेंट्स हैं कि जिनके थ्रू जो है आप गर्भधारण को रोक सकते हैं अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से, दोनों ही तरीके से। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को भी सुनिश्चित करने की बात करती हैं ऑथर। उसके बाद आगे कहती हैं कि भारत ने जो है इस क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति कर ली है, जैसे कि जो हेल्थ सेक्टर है इंडिया का, उसमें बहुत सारे ऐसे मॉडर्न शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल हैं, परमानेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन जो अवेयरनेस है वो भी काफ़ी बड़ी है, काउंसलिंग के लेवल पर भी जो सर्विसेज हैं वो भी अवेलेबल हैं, और यहाँ तक कि जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर भी चीज़ें जो है वो हेल्थ सेक्टर में अवेलेबल हैं, और अगर नहीं है तो आगे हमें इन्हें और अच्छे से अवेलेबल, इनकी जो है इनकी पहुँच को सुनिश्चित करना चाहिए। उसके बाद कहती हैं कि इंडिया का जो कमिटमेंट है 2030 तक का फैमिली प्लानिंग 2030 पार्टनरशिप, तो इसके अंदर जो है इंडिया की कॉन्ट्रासेप्टिव बास्केट जो है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ कर रही है, जिसमें कई सारे नए कॉन्ट्रासेप्टिव्स को शामिल किया जा रहा है, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स को शामिल किया जा रहा है उससे वुमेन्स के राइट्स और ऑटोनॉमी दोनों जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं।
और वास्तव में वो कहती हैं कि दुनिया में जो अनस्पेस्ड प्रेगनेंसीज होती हैं, अनस्पेस्ड प्रेगनेंसीज का मतलब है अनवांटेड प्रेगनेंसीज, मींस जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं उन अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अगर जो है रोक पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी, क्योंकि अनस्पेस्ड प्रेगनेंसीज जो है उनके बहुत ही हानिकारक प्रभाव होते हैं, डेट्रीमेंटल इन्फ्लुएंस होते हैं जो नया बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर भी, या मैटरनल मॉर्टलिटी के ऊपर भी। जैसे बच्चा पैदा करते समय जो है माँ की डेथ हो गई तो उसको मैटरनल मॉर्टी मॉर्टम सॉरी मॉर्टलिटी रेट में रखते हैं, मॉर्बिडिटी मीन्स जो है उस समय कोई बीमारी हो गई, या फिर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ जाता है कब, अगर जो है प्रेगनेंसी अनस्पेस्ड या अनवांटेड है। तो इसको भी जो है हमें रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। या फिर जो मेजर कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स अब इंडिया ने फैमिली प्लानिंग 2030 पार्टनरशिप के अंदर इंक्लूड किए हैं अपनी बास्केट में, वो इन चीज़ों में हेल्प करेंगे। उसके बाद वो कहती हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करें तो 1990 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी भारत में, अब जो है उससे 10 साल बढ़ गई है। मीन्स 1990s में नियर अबाउट 57 के आसपास थी, इस समय आप देखेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंडिया में 67 के आसपास है, 67 हो गई है। और साथ ही साथ वो कहती हैं कि मैटरनल हेल्थ के लेवल पर भी इंडिया ने जो है अभूतपूर्व उन्नति की है। तो इसके लिए जो है वो आंकड़ा देती हैं कि 90 के दशक में जहां 1 लाख पर लगभग सॉरी 2004 में जहां 1 लाख पर 254 माताओं की मृत्यु हो जा रही थी, अब वर्तमान समय में इस समय जो है वही मृत्यु 1 लाख पर 97 रह गई है। दूसरा भारत ने जो उन्नति है उसका एक पॉइंट ये देती हैं कि जो चाइल्ड मैरिजेज होती थी इंडिया में उसको भी भारत ने 2000 के लेवल से आधा कर लिया है, और इसकी वजह से जो टीन प्रेगनेंसीज का इशू था, मीन्स टीन एज में ही जो गर्ल्स प्रेग्नेंट हो जाती थी, तो वो इशू भी अब कम हो गया। उसकी वजह से भी देखिए कॉम्प्लेक्सिटीज हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती थी, तो इन सारे लेवल पर इंडिया ने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। उसके बाद वो कहती हैं कि इस सब के बावजूद भी अभी भी पूरी तरीके से महिलाओं को फिजिकल ऑटोनॉमी नहीं है, और इसके लिए जो है वो दो फैक्ट लेती हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से। तो पहला फैक्ट जो वो लेती हैं वो ये कहता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कि 10% ऑफ वीमेन इन इंडिया आर इनडिपेंडेंटली एबल टू टेक डिसीजंस अबाउट देयर ओन हेल्थ। केवल 10% महिलाएँ ही हैं जो स्वतंत्र रूप से अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय ले सकती हैं। इसका मतलब ये है कि 90% महिलाएँ आज भी ऐसी हैं जो स्वतंत्र रूप से अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय नहीं ले पाती हैं। दूसरा, 11% ऑफ वीमेन बिलीव दैट मैरिटल वॉयलेंस इज एक्सेप्टेबल, मीन्स 11% महिलाएं जो हैं वो जो वैवाहिक विवाह के बाद होने वाला जो डोमेस्टिक वॉयलेंस है उसको एक्सेप्ट करती हैं रिगार्डिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज। और इसके बाद नियरली हाफ ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज इन इंडिया आर अनप्लैंड एज दे आर ग्लोबली। और दूसरा वो कहती हैं कि जो जितनी टोटल प्रेगनेंसीज होती हैं इंडिया में उनमें से आधी जो हैं वो अनप्लान्ड होती हैं, और ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ऐसा पूरी दुनिया में है। तो आज भी इसका मतलब ये है कि महिलाओं को पूरी तरीके से फिजिकल ऑटोनॉमी नहीं है। यहाँ जो है दोनों ही तरीके की चीज़ें हैं कि एक तो पैट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से भी ऐसा है, दूसरा उनके माइंडसेट ऐसे होने की वजह से भी। जैसे आप देख रहे होंगे दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं 11% ऑफ वीमेन बिलीव, अब वीमेन ही बिलीव कर रही है जब मैरिटल वायलेंस में, तो ये एक तरीके से जब उन्हीं की मानसिक स्थिति में भी सुधार नहीं आ पाया है तो सोचिए कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी हमें इस चीज़ पर जोर देके या अवेयरनेस बढ़ाने की, या किस लेवल का हमको जो है अभी एजुकेशन रिलेटेड डेवलपमेंट करना है। जैसे कई सारी चीज़ें आप कभी कभी कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, जैसे गाँव में मेरे देखने में एक एग्जाम्पल आया कि आप देखिए कि 1955 में जो है अनटचेबिलिटी एक्ट वगैरह आ जाते हैं, लेकिन आज की डेट में भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएंगे तो वहाँ अगर आप किसी को ऐसे जैसे सपोज़ करिए कि किसी बैकवर्ड क्लास के आदमी को आप चेयर देने की कोशिश करिए भी बैठने के लिए तो वो खुद बैठना नहीं चाहते हैं उस पर। तो अब वो उस पर बैठना नहीं चाहते हैं, समझिए कि उनके मन में वो चीज़ जो है सदियों से ऐसी घर कर गई है कि वो अभी अपने आप को उस चीज़ से उबार नहीं पा रहे हैं। तो वही कंडीशन ये जो जो लोग मैरिटल वायलेंस को एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में तो सोचिए कि उनकी मेंटल कंडीशन क्या होगी। उसके बाद में जो है कहती हैं कि इसके बाद अगला इशू जो आता है लेबर प्रोडक्टिविटी का आता है कि जो वर्क फोर्स है जो लेबर फोर्स है उसमें भी महिलाओं के प्रतिशत को काफ़ी अच्छे से सुनिश्चित करना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में एक आंकड़ा देती हैं, कहती हैं कि अगर वर्क फोर्स में 10% महिलाओं को भी जो शामिल मीन्स जो वर्क फोर्स है उस वर्क फोर्स का 10% भी अगर महिलाएँ उसमें शामिल हो जाती हैं तो जो GDP है
वो नियर अबाउट 70% का जो है ग्रोथ कर सकती है, 70% का पोटेंशियल होगा जीडीपी को ग्रोथ करने का। ये देखिए लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ था, रेजिंग द वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बाई 10 percentage points माइट अकाउंट फॉर मोर देन 70% ऑफ द पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। मीन्स 2025 तक जो है $770 billion जो है ऐड हो सकता है जीडीपी में, अगर 10% महिलाएं जो है 10% इंक्रीज हो जाता है लेबर फोर्स में, अगर 10% महिलाएं ऐड हो जाती हैं। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बात करती हैं कि किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए सरकारों को। तो भारत को लेकर ये कहती हैं कि सरकार को जो है महिला के जीवन में हर लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनके जन्म से लेकर के, चाहे उनकी युवावस्था तक की बात हो और चाहे युवावस्था से लेकर के उनके मैच्योर होने तक की बात हो, तो हर लेवल पर गवर्नमेंट को उन्हें एम्पावर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसी इसी से जो है उनके और इसी से उनकी जो ग्रोथ है, जो उनके अधिकार हैं या फिर उनके जो कुछ चुनने ना चुनने की स्वतंत्रता है, जो चॉइसेस हैं, वो इंश्योर हो पाएंगी। इसके बाद दूसरा जो गवर्नमेंट के लिए एक सजेशन देती हैं, वो कहती हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ और लेजिस्लेशन, ऐसे विधान बनाने चाहिए जो उनके अधिकारों को सुनिश्चित करते हों और उनके जीवन में ये बदलाव ला सकें कि वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हों, और यही जो है पहला कदम होना चाहिए इस दिशा में। और इसके बाद लास्ट में कंक्लूड करती हैं वो, जेंडर जस्ट अप्रोचेस एंड सॉल्यूशंस आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए मोर प्रॉस्पेरस इंडिया। मींस कि जेंडर इक्वलिटी, जेंडर एम्पावरमेंट या जेंडर बेस्ड जो सॉल्यूशन है, तो जेंडर बेस्ड अप्रोच जो है किसी, मतलब एक जेंडर को एम्पावर करने की, यही अप्रोच और इसी से रिलेटेड सॉल्यूशन जो है वो एक भविष्य में समृद्ध भारत की नींव बन सकते हैं। और वास्तव में यही जो है दुनिया के साथ भी है कि दुनिया को भी जो है जेंडर बेस्ड अप्रोचेस को, जेंडर बेस्ड सॉल्यूशंस को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद हम लोग का आज का जो है आर्टिकल है वेस्ट वाटर को लेकर, इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें केवल ऑथर जो है वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए COVID-19 पेंडेमिक आई, तो COVID-19 पेंडेमिक आने के बाद बहुत सारे मेजर्स लिए गए, अचानक से दुनिया को वैक्सीन बनानी पड़ी, फिर ट्रैकिंग करने की कोशिश की गई कि आखिरकार वायरस कहाँ से आया, लेकिन तब तक जो है कम्युनिटी वाइज स्प्रेड हो चुकी थी ये बीमारी, और कितनी इतनी भयानक स्प्रेड हो चुकी थी, आपको पता है दुनिया में जो है फ्लाइट्स का आवागमन, लोगों का आना जाना, सारी चीज़ें बैन हो गई। तो इसी को लेकर के ऑथर जो है इस पर आर्टिकल लिखते हैं कि किसी बीमारी को लेकर के ये कंडीशन पैदा हो, इसके पहले वो ये मानते हैं कि जो वेस्ट वाटर हैं, तो वो वेस्ट वाटर एक बहुत ही अच्छा सोर्स है किसी बीमारी के शुरुआत में ही पता लगा लेने का। तो अगर हम वेस्ट वाटर सर्विलांस अपना अच्छा कर लेते हैं, तो वेस्ट वाटर सर्विलांस के थ्रू हम किसी बीमारी को कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड होने के पहले ही रोक सकते हैं। भारत के संदर्भ में वो ये कहते हैं कि जो भारत का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, उस डिजिटल मिशन के अंदर जो है कई सारी ऐसी लैब्स बनाई भी गई हैं, तो भारत चाहे तो अपने वेस्ट वाटर सर्विलांस को और बेटर करके और बहुत सी बीमारियों को कम्युनिटी के लेवल पर स्प्रेड होने से पहले ही डिटेक्ट करके उन्हें रोक सकता है। इसके अलावा जो है ऑथर पोलियो वायरस का उदाहरण भी देते हैं कि पोलियो वायरस को भी इरेडिकेट करने में इंडिया को इसी तरह से हेल्प मिली थी कि वेस्ट वाटर के सर्विलांस को इंडिया ने उस समय फॉलो किया। और ये वेस्ट वाटर सर्विलांस की तकनीक के बारे में ऑथर कहते हैं कि ये कोई आज नई बात नहीं है, ये पहली बार जो है 80 साल पहले इंडिया के रिगार्डिंग प्रपोजल रखा गया था, जब पोलियो वायरस को लेकर के भारत में पहल की शुरुआत की गई थी। साथ ही ऑथर कहते हैं कि अगर वेस्ट वाटर सर्विलांस के थ्रू हम किसी डिजीज़ के या किसी वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड को रोक लेते हैं, तो ये हमारे लिए जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा, क्योंकि बाद में जब स्प्रेड हो जाती बीमारी, तो उसको कंटेन करने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा लागत लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से जो है इस आर्टिकल में बात आती है। इसके बाद लास्ट में जो है, जैसा कि आपको पता है कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया इस समय संभाल रहा है, तो इस रिगार्डिंग जो लास्ट में ऑथर लिखते हैं कि भारत केवल अपने ही स्तर पर वेस्ट वाटर सर्विलांस को बेटर ना करते हुए, भारत के पास एक मौका ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी, जैसे मान लीजिए G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो G20 के मंच पर भी जो है वेस्ट वाटर सर्विलांस को लेकर के वर्ल्ड वाइड एक अच्छे नेटवर्क को डेवलप करने की बात करे और विश्व के स्तर पर भी एक सर्वसम्मति बनवा सके। इसके बाद जो है एक आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के आज के पेपर में है, तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस केवल ये देखिए कि
आर्टिकल में जो है कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडॉप्शन को लेकर के, कुछ जो है नेगेटिवली जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट हो, उस पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग जो इंक्लूड करेंगे जब अपनी इकोनॉमी में, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, और इसके बाद भारत के लिए जो है क्या क्या विकल्प हो सकते हैं इसको लेकर के अर्थात लिखते हैं। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं थे, बस कुछ जो है अमेरिका वगैरह के स्टडीज़ और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पड़े हुए थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं इंडिया के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में उन्होंने बात की है तो उसको हमने जो है निकाल लिया है। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स की अगर बात करते हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर कोई इकोनॉमी अपनाती है तो देखिए एक तो आप समझ ही रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक्यूरेसी और एफिशिएंसी दोनों ही इंक्रीज होंगी। दूसरा अगर ह्यूमन के साथ में, जैसे आपने देखा होगा कि रोबोट्स होते हैं, वैसे ही कोबोट्स के बारे में भी आपने कभी सुना होगा, तो कोबोट्स कौन होते हैं, कोबोट्स वो होते हैं जो आदमी के साथ मिल करके जो है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में काम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने चार्ली चैपलिन का वीडियो देखा होगा कभी, जो है हाथ में रिंच लेकर के और जो है बोल्ट कसने का काम रहता है, वो निकलती रहती है गाड़ी से चलती रहती है, उसमें बोल्ट कसते रहते हैं। तो इस मामले में अगर आप देखेंगे तो जैसे ये रिंच है ये एक तरीके से कोबोट हो गया कि हाथ से नहीं कस रहे हैं बोल्ट, रिंच के थ्रू कट रहे, तो रिंच जो है वो इस केस में कोबोट। तो कोबोट का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में आदमी के साथ प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों का यूज किया जाता है उन्हें आप कोबोट कह सकते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इंडिपेंडेंटली काम ना करके मनुष्य के साथ मिल करके काम करती है तो इससे क्या होगा कि मानव जाति को नुकसान भी नहीं पहुँचेगा रोजगार को लेकर के, और जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं वो अच्छी खासी चलती रहेंगी। अच्छा देखिए एक ये भी तो प्रॉब्लम है, मान लीजिए सबकी नौकरी चली ही जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे काम करने लगे, तो जब लोगों के पास इनकम नहीं होगी तो कुछ दिन बाद आप जो है मैन्युफैक्चरिंग करते रहिए, कितनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे उससे फ़र्क क्या पड़ता है, खरीदेगा कौन जब पैसा ही नहीं लोगों के पास। तो आप चाहे जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते रहो एक्यूरेसी एफिशिएंसी, तो जब मार्केट में डिमांड ही खत्म हो जाएगी तो आप सप्लाई करेंगे कैसे। तो खैर ये सारी चीज़ें बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए लोगों के लिए रोजगार को लेकर के खतरा है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये अच्छी बात है कि उनका प्रोडक्शन बढ़ सकता है, एक्यूरेसी एफिशिएंसी कामों में बढ़ सकती है। इंडिया के लिए जहां तक ऑथर बात करते हैं तो कहते हैं कि इंडिया को, जैसे कि आप इंडिया में जानते हैं कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बेरोजगारी की जो दर है वो सबसे ज़्यादा, अभी 2-3 साल पहले एक आंकड़ा निकल के आया था कि पिछले 35-45 सालों के सबसे हाई रेट पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट था इंडिया में। तो उस अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे अपनी इकोनॉमी में जो है समाहित कर पाएगा, अडॉप्ट कर पाएगा, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उदाहरण के लिए कहते हैं कि जैसे भारत में बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें लोग जो है जैसे कॉल सेंटर्स में काम करते हैं या फिर जो कस्टमर्स को आप कह सकते हैं डील करने वाली जो अथॉरिटीज मीन सर्विस सेंटर्स हैं, तो उन सर्विस सेंटर्स में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो इस तरीके की जॉब्स को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इजीली किया जा सकता है। तो अगर इंडिया मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस लेवल पर अडॉप्ट करता है तो लाखों लोगों के लिए जो है जॉब का संकट खड़ा हो जाएगा। तो हालांकि भारत के लिए एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर एक बहुत बड़ी चुनौती है कि भारत जो है कितनी बड़ी जनसंख्या के साथ है, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है, तो ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से स्वीकार कर पाना एक चुनौती है। फिर भी ऑथर ये कहते हैं कि चूंकि कोविड 19 के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अच्छे खासे डेवलप हो गए हैं तो भारत को ये चाहिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू AI के साथ कैसे भारत की जनता या जो भारत का तबका है काम करने वाला वो अपने आप को तालमेल बैठा सकता है। तो ये जो है भारत के पास एक विकल्प हो सकता है। बाकी ऑथर लास्ट में कहते हैं कि वो दिन अब दूर नहीं है कि जब आदमी की जगह धीरे धीरे करके रोबोट्स ले लेंगे। ये लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, एंड नो एन एपोकैलिप्स। एपोकैलिप्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा पॉइंट जहाँ की एक तरीके से नहीं जैसे कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो वो पॉइंट जो है मींस एंड पॉइंट ऑफ समथिंग, उसको आप एपोकैलिप्स कह सकते हैं। एंड नो एन एपोकैलिप्स वेयर रोबोट्स टेक ओवर द ह्यूमन वर्ल्ड इज़ नो वेयर सून, मींस जल्दी ही कवर कर लेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को। उसके बाद लास्ट में आप देख लीजिए कि ये कोई आर्टिकल नहीं है, छोटी सी एक खबर है कि इस समय जो बारिश हो रही है उसको आप देख ही रहे होंगे कितनी शानदार बारिश हो रही है। तो चंडीगढ़ और कुल्लू ने जो है अपने इतिहास का सबसे बेटेस्ट डे अब तक का फील कर लिया है, मींस बारिश जो है जो अनुमान है उन अनुमानों से भी ज़्यादा तेज़ हो रही है।
10 सहायक नदियां जो हैं उन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, उनमें अभी तक का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल रिकॉर्ड किए गए थे, तो वो हाईएस्ट रिकॉर्ड लेवल्स को भी 10 ट्रिब्यूटरीज में क्रॉस कर लिया गया है पानी के द्वारा, इतनी बारिश है। और नदियों के नाम आप देख लीजिए, कभी जो है प्रीलिम्स में आपको नदी के नाम मिल जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की जो नदियाँ हैं उनका नाम है गिरी, बाता, मीनस, टोंस, सतलज और रोपाखाज। तो सतलज तो देखिए सबको पता है, टोंस नदी भी सुनी रहती है सबने, बस ये गिरी, बाता, मीनस और रोपाखाज ये हिमाचल प्रदेश में है नदियाँ। और उसके बाद उत्तराखंड की देखिए, भागीरथी सबको पता है, फीका ये याद रखिएगा, मंदाकिनी और पिंडार ये उत्तराखंड की नदियाँ हैं। तो ये जो हैं 10 नदियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक अपना जो हाईएस्ट फ्लड लेवल जब भी हुआ है इनमें, तो जो रिकॉर्ड किया गया था उसको भी इस बार क्रॉस कर लिया है। तो इसी के साथ आज हमारी जो एडिटोरियल्स की डिस्कशन है वो समाप्त होती है। बाकी हम आपको कहेंगे कि अगर आपके कोई सजेशंस हैं एडिटोरियल के रिगार्डिंग, या आप चाहते हैं इसमें और कुछ भी सुधार किया जा सकता है, या फिर जो है कैसा जा रहा है एडिटोरियल, तो इसके फीडबैक के तौर पर आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।